दोस्तों, आज हम आपको ऐसी माँ अम्बा के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके दर्शन मात्र से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्ति पा लेता है। शास्त्रों में माता की महिमा के बारे में बताया गया है कि इन माँ अम्बा की मेहरबानी के कारण ही ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण एवं विष्णु जी पालनहार तथा शिव जी को संहार करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। पहले तो मैं उस गुफा वाली माँ अम्बा देवी को बार बार उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। सतपुड़ा के घने जंगलों में विराजी माँ अम्बा देवी जी का ये मंदिर उनके हर आने वाले भक्त के मन को मोह लेता है। पहले तो मैं माँ अम्बा के संबंध में आपको थोड़ा सा बता दूँ। कथा है कि जब भगवान शिव माँ सती के शव को लेकर ब्रह्मांड में तांडव नृत्य कर रहे थे, ठीक उसी वक्त माता की देह की चुनरी यहाँ आकर गिरी थी। इसलिए इसे चुनरी वाला दरबार भी कहा जाता है। मंदिर के प्रमुख जो पुजारी थे कन्हैया कुमार जी, उन्होंने बताया था कि एक बार जब मंदिर में खुदाई करी गई थी तो यहाँ पर कई सैकड़ों चुनरियाँ प्राप्त हुई थी और यह चमत्कार उनके समझ में नहीं आया था कि जमीन में इतनी सारी चुनरी कौन डाल सकता है। दोस्तों, माता के अस्तित्व का यहाँ होने का यह एक चमत्कार ही था। मध्य प्रदेश के वेतवल जिले में धारण ग्राम पंचायत में माँ अम्बा माई का परम पवित्र मंदिर सतपुड़ा पर अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ सुशोभित है। माँ अम्बा देवी की खोज मनिहार बेचने वाली एक मंगला नाम की महिला ने की थी, जिसे अब यहाँ के सभी भक्त माँ मंगला के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, माँ अम्बा की यह भक्त माँ मंगला को भी बहुत ही सिद्ध साध्वी कहा जाता था। माना जाता है कि इन पर माँ अम्बा की विशेष कृपा थी। मंगला ने माँ अम्बा की तपस्या कर सिद्धि प्राप्त कर ली थी। कहते हैं जब कोई भक्त माँ अम्बा के मंदिर में प्रवेश करता है तो उसे साफ साफ किसी अलौकिक शक्ति के होने का एहसास होता है। यही कारण है कि माँ अम्बा के दरबार में आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि इस दरबार में माँ अम्बा साक्षात वास करती है। परंतु दोस्तों, माँ अम्बा देवी की गुफा घने जंगलों में है, यही कारण है कि यहाँ शेरों का आना जाना लगा ही रहता है। लेकिन मंदिर आने वाले भक्त को कोई भी नुकसान ये शेर नहीं पहुँचाते। माँ अम्बा देवी मंदिर में ही एक दिव्य गुफा भी है, जहाँ कई सालों से ऋषि मुनि तपस्या में लीन बताए जाते हैं। अम्बा देवी आने वाला हर भक्त माता के मंदिर के बाद इस गुफा जरूर जाना चाहता है। परंतु कहते हैं माँ अम्बा देवी की इस गुप्त गुफा में ऋषि मुनि आश्रम में जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस मार्ग में कई हिंसक जंगली जानवरों का सामना आपको करना पड़ सकता है। वैसे इस गुफा में नाना प्रकार के वनस्पतियों के वृक्ष हैं। हजारों सालों से कई तपस्वी मुनि यहाँ पर तपस्या में लीन हैं और यहाँ एक तालाब भी है, जहाँ पर माँ अम्बा, गणेश और शिव जी तथा काली माँ की प्रतिमा विराजमान है। इस गुप्त गुफा में केवल किस्मत वाले भक्त ही जा पाते हैं। परंतु अगर कोई सामान्य व्यक्ति जाए तो ऐसा माना जाता है कि इस ऋषि मुनि आश्रम में जाना मौत को गले लगाने के समान है, क्योंकि कई हिंसक जानवर मार्ग में आपको चलते फिरते दिख जाएंगे। पहले जमाने के गांव के ही वृद्ध व्यक्ति बताते हैं कि तपस्वी संत मंगला ने माँ अम्बा देवी मंदिर में मौजूद ऋषि मुनि आश्रम के कई सच्चे भक्तों को दर्शन कराए थे। उनमें से एक भक्त आज भी जीवित है। अम्बा देवी गुफा की खोजकर्ता मंगला माँ के स्वर्गवास के बाद कई लोगों ने उस गुफा में जाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल ना हो सका। भक्तों ने अम्बा देवी धाम में माँ मंगला की समाधि दी। माँ मंगला परधवाड़ा के पास नीरज गांव की रहने वाली थी। आए दिन माँ अम्बा देवी के दरबार में किसी न किसी भक्त के साथ चमत्कार होता ही रहता है। एक बार की बात है, आठनेर नगर के गरीब परिवार के 9 साल के बालक सुनील को माता ने सपने में एक स्थान के दर्शन कराए थे और फिर उसे पलंग से नीचे फेंक दिया था। ऐसा सुनील के साथ हर दिन होने लगा, जिसके चलते उसके माता पिता ने भूत प्रेत का साया है ऐसा समझकर कई बाबा को दिखाया, झाड़नी फूकनी करवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। तब सुनील की मां ने उसे आठनेर के जाने माने
अम्बा माता के भक्त शोभाजीत खोड़ी के पिताजी के पास ले गई। जैसे ही खोड़की जी ने सुनील जी को देखा, फिर तुरंत अपनी गद्दी छोड़ सुनील को उसमें बैठने के लिए कह दिया। वैसे खोड़की जी को देखते ही मामला पहले ही समझ में आ गया था, परंतु उन्हें सुनील की कहानी सुनने की लालसा थी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तब खोड़की जी ने सुनील की माता को बताया कि इस पर कोई भूत प्रेत का साया नहीं है, बल्कि अम्बे माता की कृपा है। सुनील को सपने में दिखाई दे रही धारूड़ की गुफा वाली माँ अम्बा है। सुनील को माँ अम्बा के सपने में दिखाए दरबार को खोजने में कई साल लग गए। 3 साल बाद आठ नए शहर में सपने में दिखाई माता की मूर्ति का पोस्टर देख सुनील बहुत खुश हुआ और अम्बा माता के भक्तों के चट्ठे के साथ माँ अम्बा देवी दरबार पहुंचा। सुनील के साथ माँ अम्बा देवी दरबार में अनेक चमत्कार घटित हुए, खासकर नवरात्रि में जब सुनील माँ अम्बा देवी का श्रृंगार कर रहा होता था, उस समय कई शेर और उनके बच्चे मंदिर के अंदर आ जाया करते थे। माँ अम्बा की कृपा से माँ की सवारी यानी शेर ने सुनील को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। तपस्वी संत माँ मंगला की सेवा में सुनील ने 12 साल बिता दिए, लेकिन एक दिन अपनी माँ की कसम की वजह से उसे माँ अम्बा के दरबार को छोड़कर अपने गाँव आना पड़ा। तब सुनील माँ अम्बा के चरणों में खूब रोया, माँ से विनती की कि वह मुझे अपने दरबार में ही रहने दे। लेकिन सुनील को माँ अम्बा ने सपने में आकर दर्शन दिए और कहा, बेटा तू चिंता मत कर, मैं सदा तेरे साथ हूँ। अब तू मेरी ही मूर्तियों का निर्माण कर और उन्हें बेचकर अपनी आजीविका चला। अपनी जन्म देने वाली माँ की आज्ञा का पालन कर और उसकी सेवा कर। इस प्रकार माँ अम्बा का वह भक्त माँ की मूर्ति बनाने का प्रयास करने लगा और माँ अम्बा की कृपा से सुनील को सफलता मिली। आज माँ अम्बा देवी के भक्त सुनील के द्वारा तैयार की गई मूर्तियाँ प्रदेश के अनेक जिलों में जा रही है। वहीं बड़े मूर्तिकार भी ऐसी कला का निर्माण नहीं कर पाते। यहाँ के गांव वाले बताते हैं कि माँ अम्बा देवी के दरबार से आज तक कोई भी भक्त निराश नहीं लौटा। माता यहाँ आए अपने हर भक्त की पुकार को सुनती है और दुखी मन से यहाँ आया भक्त खुशी खुशी माँ के दरबार से वापस लौटता है। वैसे तो हर समय यहाँ माता के मंदिर में भीड़ होती है, परंतु नवरात्रि के समय माँ के मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने तक की जगह यहाँ मुश्किल से होती है। साल 2018 में यहाँ लगभग 15,000 से भी ज़्यादा भक्तों का केवल एक दिन में आने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। दोस्तों, अम्बा देवी प्रवेश द्वार से चलने पर हनुमान जी के दर्शनों के बाद भक्तगण तपस्वी माँ मंगला के दर्शन करते हैं और फिर वहाँ से माँ अम्बा देवी के दर्शन करने आगे बढ़ते हैं। गुफा के मुख्य द्वार पर गणेश जी के प्रतिमा के दर्शन होते हैं। आगे बढ़ते ही माँ अम्बा देवी का वो आदि शक्ति दरबार दिखाई पड़ता है जहाँ अम्बा माई सदियों से विराजमान है। स्वयंभू प्रकट हुई है माँ अम्बा माई की यह मूर्ति और दिन भर में 3 रूपों में माता दर्शन देती है। कहते हैं कि माता के इस दरबार में केवल बड़ी किस्मत वाले भक्त ही आ पाते हैं, केवल उन्हीं को बुलावा आता है। माँ ने बुलाया तो पांव खुद ही माता के दरबार की ओर चल बढ़ते हैं। माँ अम्बा देवी के सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भगवान महाकाल के जैसे ही माँ अम्बा माई का हर दिन जलाभिषेक कर चोला और वस्त्र पहनाकर श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद महाआरती आरंभ होती है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जय माँ अम्बा माई जरूर लिखें।